मेरा की इस क्रांति के धरती पे एक अनोखा कार्यक्रम युवा संसद का आयोजन हुआ। मैं मंचा सिंह हमारे दल के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी विधायकगण नेता सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं और बहुत दूर दूर से चल के आज आपके बीच अपनी बात रखने के लिए आपके निमंत्रण पर अन्य राजनीतिक दलों के युवा नेता विधायक यहां पहुंचे हैं। बिहार से चल के आए हमारे विधायक सीपीआईएमएल के एनसीपी के राज्य यूपी अध्यक्ष अनुपम जी जो युवा हल्ला बोल सामाजिक संगठन चलाते हैं, जहां कहीं भी उत्तर भारत में भर्ती की प्रक्रिया में जो अनियमितताएं होती हैं, जाति होती है, नौजवान विरोध करना चाहते हैं तो शायद युवा हल्ला बोल उनकी प्रखर आवाज बन के वहां उनके बीच रहता है। उस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुपम जी आए, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। और रागिनी जी आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सबसे कम उम्र की महिला विधायक है और उन्होंने अपने जीवन की यात्रा भी आपके बीच यहां साझा की। राजनीति में वो क्यों आई, क्या उनकी मंशा रही, वे डॉक्टर हैं, एम्स से उन्होंने अपनी पढ़ाई की और कोरोना काल में आपकी पीड़ाओं को देख प्रभावित होकर उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय होने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। आज इस मंच से वो सारी बातें आपके बीच में हुई। मैं आरजेडी के बिहार से चल के आए यूथ के अध्यक्ष का भी मैं धन्यवाद और अभिवादन करता हूं। मेरठ की धरती के लोग बहुत प्रोग्रेसिव विचार के लोग और नौजवान यहाँ के हैं। देश और दुनिया में हर कोने में आपको मिल जाएंगे। ऐसा कोई काम नहीं जो यहाँ के लोग किसान परिवार में पल रहे नौजवान ना कर रहे हो। यहाँ आपको साइंटिस्ट मिल जाएंगे, बड़े बड़े इंजीनियर, चाहे इसरो में हो, चाहे नासा जैसी संस्थाओं में हो, विश्व प्रसिद्ध संस्थाओं में मेरठ में जन्मे नौजवान काम संभाल रहे हैं, गौरव हासिल कर रहे हैं, खेल के क्षेत्र में अपने किसानी से देश का पालन पोषण कर रहे हैं, देश की सीमाओं पर तैनात है। और मेरठ की एक और पहचान, जब भी कोई सामाजिक आंदोलन होता है, जब देश को आवश्यकता होती है, जब देश की सरकारों की अवहेलना से, गलत निर्णय से या देश की संसद के सही तरीके से नीतिगत फैसला जब संसद में नहीं पारित होता, उसके विरोध में भी मेरठ के आम जनमानस की बड़ी भूमिका रहती है, बड़ी भागीदारी रहती है। देश ने देखा है, देश ने गवाही दी। जब 13 महीने किसान आंदोलन चला, देश की सीमाओं पर किसानों को रोका गया, मेरठ के लोगों ने जब फैसला लिया और निर्णय लिया कि बढ़ चढ़कर अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसान आंदोलन में शामिल होंगे, तब जाके जो है मामला पलटा और सरकार पे दबाव बनाने में मेरठ की जनता, मेरठ के किसान, मेरठ के नौजवान कारगर और प्रभावी साबित। तो मैं लाख बार वंदन करता हूं धरती का। मेरठ के लोग सब जगह मिल तो जाते हैं, लेकिन जहां भी हो आज के कार्यक्रम के माध्यम से मेरठ के हमारे नौजवानों को एहसास हुआ होगा कि चौधरी चरण सिंह जी को मानने वाले लोग और चौधरी अजीत सिंह जी की इज्जत करने वाले लोग पूरे देश में भी जाएंगे। बिहार राज्य का विशेष स्थान देश में, हम ये मानते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग ये मानते हैं, बिहार के हमारे भाई हैं कि जब भी देश में सामाजिक परिवर्तन होगा, क्रांति आएगी, सामाजिक न्याय की कोई बात करेगा तो शुरुआत बिहार से। और बिहार के सदन के विधायक उन्होंने यहाँ ओजस्वी भाषण दिया, विचार रखे, तेजस्वी यादव जी के अध्यक्ष यहाँ मौजूद है,
हमने आपने देखा, वह तस्वीरें अभी भी मुझे याद है, पिछले विधानसभा चुनाव में किस तरह से भाग भाग के रोजगार को एक मुद्दा, राजनीतिक मुद्दा बना करके एक सभा से भाग के आते थे, भाग के जाते थे, हेलीकॉप्टर से दूसरे से दूसरी सभा में जाके प्रचार करते थे। माननीय तेजस्वी यादव ने यह साबित किया कि आज ये देश का नौजवान और कुछ नहीं चाहता, वे अपने भविष्य को अपने कंधों के बल, अपने मेहनत के बल अच्छा बनाना चाहता है, संवारना चाहता है और नौकरी देने वाले लोगों को आगे बढ़ाएगा, वे उसके सम्मान की बात करने वाले नेताओं को आगे बढ़ाएगा, वे उसके भागीदारी दिलाने वाले नेताओं को आगे बढ़ाएगा। तो बिहार में वो करके दिखाया और आने वाले 2024 में भी हमें उम्मीदें हैं। जो इंडिया घटक दल का एक प्रयास है, बिहार में एक एक्सपेरिमेंट महागठबंधन के माध्यम से हुआ, राजनीतिक विश्लेषण करने वाले लोग ये जानते हैं कि यदि बिहार में महागठबंधन नहीं बनाया होता तो आज सारे देश में इंडिया के अलग अलग कोने से अलग अलग राजनीतिक पार्टियों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास आज नहीं हुआ। इस प्रयास को आगे बढ़ाना है तो मेरठ की जनता की इसमें बड़ी भूमिका होगी, इसलिए हमने युवा संसद का एक कार्यक्रम रखा। मैं चंदन चौहान जी को सहयोगी, हमारे राजीव बालियान जी छात्र संगठन के अध्यक्ष और युवा छात्र पार्टी के इकाई के सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं। प्रदेश के पार्लियामेंट में आप 150 सांसदों को बाहर करके जबरदस्ती जबरन बिल पारित कर सकते हो। अभी आपने देखा ट्रक ड्राइवर हड़ताल में चले गए, देश भर में लोगों का आवागमन प्रभावित हुआ, देश की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान हुआ। क्यों हुआ? उन्होंने ये कहा कि आपने इतना कड़ा कानून बना दिया, हमें तो मालूम ही नहीं पड़ा, और कल को वो भीड़ के आगे, भीड़ तंत्र के आगे हमें मारा जाएगा तो कौन हमारा बचाव करेगा? उनकी बातों में भी दम है, कड़े कानून का पक्षधर मैं भी हूं, और ये साबित करता है कि अगर वो कानून एक संवाद के बाद, एक अध्ययन के बाद, गहरा अध्ययन होगा, विचार होगा, जो कानून को समझते हैं, हर क्षेत्र के लोग कानून से प्रभावित होते हैं, उनकी राय ली जाती है और उसके बाद मशवरा के बाद कानून बनता तो वो एक सार्थक और प्रभावी कानून होता। लेकिन सारे सांसदों को बाहर करके, क्योंकि ये तानाशाही चाहते हैं, ये अपने इनके दिल में तानाशाही है, लोकशाही को नहीं समझते हैं लोग। लोकशाही में जनता की आवाज यूं दबाने वाली सरकारें हमने कभी देश में नहीं देखी। जब 150 सांसदों को बाहर करके कानून बनाओगे और इस तरह से जबरन उनको लागू कराओगे तो इस तरह का विरोध भी होगा, और जो संसद में सकारात्मक चर्चा नहीं हो पा रही, जैसे कि रेडम जी ने बताया कि देश की आबादी के औसत आयु कितनी है जानते हैं? उन्होंने तो 27-28 साल बोली, 27 और 28 साल की बात उन्होंने कही, लेकिन जो आंकड़े हैं जिस दो महीने पढ़ा है वो 29 साल। हम तो सेंसस के आधार पर बोलेंगे, जो सेंसस होगा तब पता लगेगा। पिछले सेंसस में और आंकड़ों के हिसाब से देश की आबादी की औसत आयु 29 वर्ष है, लेकिन विधान पालिकाओं में वही औसतन आयु 60 के करीब चली जाती है। तो जो सवाल एक संसद के माध्यम से उठाना चाहते थे, ये युवाओं का कार्यक्रम है, युवाओं के द्वारा संचालित कार्यक्रम है। हमारी पार्टी ने पहली बार इस कार्यक्रम का आयोजन किया और हमारे बड़े बड़े नेता पीछे रहे और आगे उन्होंने नौजवानों को करके कार्यक्रम को संचालन कराया। क्यों कराया? क्योंकि हम सबको एहसास होना चाहिए। ये जो लोग बोलते हैं कि जी देश में कोई विकल्प नहीं है, मोदी जी है उनके सामने कोई है नहीं, 140 करोड़ देश में और कोई नेता नहीं है, ये देश में नाली का निर्माण होगा तो मोदी जी मुस्कुराते दिखाई देंगे, देश में पंचायत घर का निर्माण होगा तो थैंक यू मोदी जी बोला जाएगा, आप टीका लगा हुए यहां सर्टिफिकेट दिया जाएगा उसमें भी उनकी तस्वीर लगाई जाएगी, यहां तक कि जो पहले भी अनाज वितरण की योजनाएं थी
अनाज वितरण के गरीबों के लिए राशन की व्यवस्था पहले भी तो थी। पहली बार है कि उस बोरी पे भी जो प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाई, ये दिखाना चाहते हैं कि एक आदमी देश को चला रहा है, एक आदमी देश को चला रहा है। लेकिन हम ये दिखाना चाहते हैं कि देश के नौजवानों पर भरोसा कीजिए, जो 29 वर्ष देश की आयु है उन नौजवानों को सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में यदि सारी पार्टियां मिलकर भागीदारी देंगी तो 140 करोड़ की आबादी के देश में मोदी जी को तो बहुत पीछे छोड़ देंगे। मेरठ में इतने काले धुआं है, प्रधानमंत्री और विधायक और सांसद बनने लायक नौजवान ना, और एक नए लीडरशिप, एक नया संकल्प और एक नया नेतृत्व देश के लिए हमें तैयार कर रहा हूं। मैं देख रहा हूं यहां पगड़ी और टोपी पहनने वाले भी हमारे पुराने पुराने वर्कर, उन्होंने वो जमाना भी देखा है, महिला बैठी है। जब वोटिंग का टाइम होता था तो टोली बनाते गांव की महिलाएं ट्रैक्टर टोली पे पीछे बैठ के पैदल चल के गीत गाते गाते लोकतंत्र के उस पर्व में शामिल होते। उस समय कोई बड़ा प्रचार तंत्र अंबेडकर के साथ नहीं होता, चौधरी चरण सिंह जी की वकालत करने के लिए कोई पैसे वाला व्यक्ति, कोई मीडिया चैनल, कोई उद्योगपति कभी कुछ नहीं कहता था। लेकिन ये आपका तंत्र कार्यकर्ताओं की मेहनत बेहद प्रभावशाली होती, तो इसलिए हमारा मुकाबला बड़े ताकतवर लोगों से है। देश भर में आप देख रहे हैं बीजेपी अपने आप को सशक्त कर रही है, वो अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। हम तो यहाँ ठंड में ठिठुर रहे हैं, मोदी जी बीच का आनंद ले रहे हैं। और जो जो लोग कहते हैं ना कि मोदी जी अकेले बहुत है, मोदी जी अकेले नहीं है, उनके साथ कैमरामैन कई हुए हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, मेकअप वाले हैं, वार्डरोब वाले हैं। जैसे फिल्म की शूटिंग होती है उसी अंदाज में मोदी जी का कार्यक्रम तय होता है और कार्यक्रम टूक रहा है। ये तो ये बात सब लोग समझ गए, अब उनसे मुकाबला हमें करना है। मेकअप तो मैं देखो लगाता नहीं, राजनीति मेरा मत मानना, मेकअप तो लगाते नहीं, क्रीम क्रीम कभी लगाई नहीं मैंने। और बात मैंने भी खुद ही जानते हैं कौन भाषण लिखेगा मेरे लिए, कोई जरूरत नहीं। कार्यकर्ता आप जैसे हैं हमारे साथ, सिक्योरिटी की मुझे जरूरत नहीं पड़ी आज तक। मैं जब यूपी में आता हूं तो अमित शाह जी मेरे लिए एक सिपाही भेज देते हैं, योगी जी की तरफ से एक सिपाही मुझे मिल जाता है, मैं उसे कहता हूं भाई तू छुट्टी कर। तो कोई बात नहीं, मुकाबला तो बड़े ताकतवर लोगों से है, मेकअप शेकअप वालों से, लेकिन हम लोग कर लेंगे, हम और आप मिल लेंगे तो कर लेंगे कि नहीं करेंगे। मैं नौजवानों को अपनी तरफ से कुछ वादा करना था। अनुपम जी युवा हल्ला बोल का संगठन चलाते हैं, हाल के दिनों में मैंने उनसे मशवरा किया और हम लोग किस प्रकार से भर्तियां हो, कैसे हो, समय में हो, भर्ती ऐसी हो कि जो लाभार्थी हैं, जो उसके लिए मेहनत कर रहे हैं उनको समान अवसर मिले, भेदभाव ना हो, जातिवाद ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, और समय रहते जो लाखों रिक्त पद हैं जो सरकार की कार्यशैली को प्रभावित करते हैं वे रिक्त पद भरे जाने चाहिए। जिसे जानकारी नहीं होगी मैं उसे बता दूं कि जब लोकदल का युवा, लोकदल का छात्र खड़ा हुआ हाल में, प्रदेश भर में आपने आंदोलन किया, लखनऊ में प्रभावी आंदोलन किया और चंद घंटों में इस सरकार को आपने मनवा लिया। जो पुलिस की भर्ती वो लायक, जिसमें कोई उम्र की छूट नहीं दी, जब जनता आगे आई, सड़क पे आए, विपक्ष ने विरोध जताया तो उनको माननी पड़ी आपकी। अभी भी मुझे शिकायत मिलती है, लोग कहते हैं कि तुम तैयारी नहीं कर रहे थे, तो हमें कोई विश्वास नहीं था।
कि उम्र की छूट मिले, हम मायूस हो गए और समय मिलता तो हम और बेहतर तैयारी कर सकते, लेकिन ये नीतिगत फैसला होना चाहिए। भर्ती गलत मंशा से वो लाए क्यों? जब भर्ती की घोषणा हुई थी उस समय उनको ये जानकारी दे देनी थी नौजवानों को कि हम भर्ती में छूट देंगे। मेरी मांग है कि अब जो भी भर्तियां निकले तो दो वर्ष कोने के सबके खराब हुए, नीतिगत फैसला ले यूपी की सरकार, नीतिगत फैसला ले केंद्र की सरकार कि हर भर्ती में हर स्तर पर जो नौकरी निकलेंगी उसमें दो या तीन वर्ष के छूट का प्रावधान हो। जो भी यूपीएससी है, जो भी प्राधिकरण जो भर्ती की प्रक्रिया को देख रेख में उस प्राधिकरण से काम होता है, हमारी मांग है कि हर साल के शुरुआत में कैलेंडर निकलना चाहिए, निश्चित तिथियां होनी चाहिए कि किस किस तारीख में कैसे कैसे भर्ती निकलेंगी, कितनी निकलेंगी, किस हिसाब से पूरी की जाए। इस बात से आप सहमत होगी नहीं सहमत? मैं खुद शुद्ध उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के आवास के कुछ कदम दूर बैठे, देश के राजधानी में, देश प्रदेश की विधानसभा में उससे कुछ कदम दूर बैठे, लखनऊ में बीजेपी के कार्यालय से कुछ ही कदम दूर बैठे, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो पिछड़े और अनुसूचित जात के हमारे लाभार्थी जो उसमें प्रार्थी थे जिन्होंने आवेदन किया उनके खिलाफ जो जाति हो रही है लगातार सैकड़ों दिन से वो लोग वहां बैठे हैं, मैं भी उनके बीच गया हूं, वो भूख हड़ताल करने को मजबूर है, लेकिन कुछ कदम का फासला है। मैं आज इस मंच से प्रार्थना करता हूं कि योगी जी अपने घर से बाहर निकलिए, अपने किसी नेता को उनके पास भेजिए, अधिकारी को उनके पास भेजिए, उनकी बात की पूरी सुनवाई कीजिए। उनके प्रतिनिधि यहां आए भी हैं, बहुत दूर से चल के आए हैं, ये अकेली आपकी लड़ाई नहीं है, ये प्रदेश के हर नौजवान की लड़ाई है। आज जो आपके साथ हो रहा है वो कल जो आज नौजवान सोच रहा है कि मेरी लड़ाई नहीं, उसे बता देना चाहता हूं कल आपके साथ भी यही हो, तो यही मौका है, हम आपके साथ पूरी तरह से हैं। बिहार में हमने देखा जब शिक्षक भर्ती हुई तो यूपी के छात्रों ने वहां आवेदन किया, जो योगी जी कहते हैं कि हमने करोड़ों को नौकरी देनी है और करोड़ों को दे दी, अगर ऐसे ही हालात अच्छे होते यूपी के तो यूपी के लोग जाके बिहार में आवेदन नहीं कर रहे होते नौकरियों के, मजबूरी में लोग कर रहे हैं, घर से छोड़ के इतना दूर कोई नौजवान नहीं जाना चाहता। मैं तो यहाँ की मानसिकता जानता हूँ, मेरठ में किसी सरकारी कर्मचारी का तबादला बंगौर हो जाएगा तो सबसे पहले मेरे पास आएगा कहेगा भाई साहब तबादला करा दो, बहुत दूर चला गया, मैं मेरठ में ही रहना चाहता हूँ, यही मैं देखता है हर लोगों मजबूरी में जा रहे थे हाँ। वो भी हमारा अपने लोग हैं बिहार में, प्रेम भाव है, भाईचारा है, लेकिन वो एक प्रतीक है कि आर्थिक तंगी के दौर से आम लोग गुजर रहे हैं। यहां तक कि यही मेरठ की धरती से मौगाना क्षेत्र के एक किसान ने आत्महत्या कर ली, अधिकारी उनकी सुनवाई नहीं कर रहे थे, बहुत मजबूर होकर उन्होंने फैसला लिया, उस परिवार के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। लोनी क्षेत्र से भी इस तरह की घटना सामने आई है कि अधिकारी की शिकायत अपनी फरियाद लेके लोग पहुंचते हैं और उनकी सुनवाई नहीं होती और फिर मजबूरी में गलत फैसला लोग लेते, तो न्याय नहीं हो रहा लोगों के साथ। जो चार मुख्य स्तंभ आज की बैठक में ये प्रस्ताव रखे गए हैं मैं भी अपना समर्थन देता हूं, न्याय, स्वतंत्रता, समता और समरसता, ये भारतीय समाज के मूल आधार है, ये हमारे संवैधानिक मूल्य हैं। चौधरी अजीत सिंह जी ने उस समय किसानों की बात रखी थी, जब मुझे याद है मथुरा में एक बड़ा आंदोलन हुआ, वहां होटल की मंडी में छाता क्षेत्र के किसान अपने फसल को ले जाना चाहते थे और बिकवारी करना चाहते, उसी तरह से यहाँ आप देखते हैं कि जो हमारा लदा क्षेत्र है धान की बिकवारी भी किसान करते हैं, तो उसी प्रकार से किसान अपनी फसल को ले जा रहे थे, हरियाणा की सरकार ने उस पर रोक लगाई, चौधरी अजीत सिंह जी उस आंदोलन में शामिल हुए और ट्रैक्टरों के काफिले को लेके वहां चले गए। वो उन्होंने इसलिए किया था कि कोई संवैधानिक तौर पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती,
आज जो अखंडता की बात करते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, वन नेशन वन मार्केट की बात करते हैं, उस समय उनको याद रखना चाहिए कि चौधरी अजीत सिंह जी ने किसानों को एक राज्य से दूसरे राज्य में अपनी फसल ले जाकर बेचने में जो प्रतिबंध लगते थे उसे हटाने की बात। और आज हम देखते हैं कई राज्यों में, क्योंकि ये बिंदु लिखा हुआ है हमारे इसमें, कई राज्यों में हरियाणा सरकार ने फैसला लिया था कि हरियाणा में हम 75% नौकरियां लोकल को ही देंगे। यह संवैधानिक है और ये फैसले जब कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट भी क्योंकि जानती है, कोर्ट में भी उनका समर्थन नहीं मिलता। तो नौजवानों से मेरी अपील है, ये लुभाने वाली बात, मीठी मीठी बात लोग करते हैं। अब मेरठ में भी आके कोई कह सकता है कि मेरठ में जितने उद्योग लग रहे हैं मेरठ के लड़कों को नौकरी में, नोएडा में भी मांग उठ सकती है, लेकिन यूपी का आदमी तो देश भर में है। यूपी का आदमी कितना हरियाणा में जा रहा है, तो यूपी के नौजवानों के साथ भेदभाव हो, मैं इसका पक्षधर कभी नहीं हो सकता, मैं ऐसी ताकतों के साथ कभी खड़ा नहीं हो सकता। और इसलिए हमने बात रखी है स्वतंत्रता की, नौजवानों को आगे इसलिए भी रखना जरूरी है कि आने वाले वर्षों में सारे मुद्दे बदल जाएं। जलवायु परिवर्तन एक ऐसी चीज है जिसे अब कोई इंकार नहीं कर सकता, किसान भी जानते हैं। पहले जो समय पे जिस समय पे बारिश होती थी, जिस समय पे मौसम खुला रहता था, उस अनुमान से अपनी खेती किसान करते थे। लगातार पिछले एक दशक में बेमौसम बारिश से, ओले से, कोहरे से किसान का नुकसान हुआ, और किसान का वो प्रैक्टिकल अनुभव है। अब किसान ये मानने लगे हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, सरकारों को उसके लिए तैयार होना। मैं आपको याद दिलाता हूं, 2015 में पेरिस में समझौता हुआ, करार हुआ, फ्रांस के पेरिस में समझौता हुआ, 195 देशों ने करार सहमति रखी कि दुनिया के तापमान को 2 डिग्री से बढ़ने से कम रखेंगे, जो प्री इंडस्ट्रियल तापमान है उससे 2 डिग्री के बैंड में ही रखेंगे और 1.5 डिग्री तक हम सीमित रखने की कोशिश करें। अब हालात ये हो गए, 2015 में समझौता हुआ था और कुछ अनुमान ये है कि उस समझौते और करार के तहत उससे कई गुना ज्यादा तापमान बढ़ सकता है। जब 1.5 डिग्री तापमान अगर बढ़ जाएगा तो क्षेत्रों में बाढ़ होगी, अकाल आएगा, खेती किसानी पूरी तरह से बदल जाएगी, कई जो द्वीप देश हैं उनके सामने बहुत बड़ी समस्या होगी। बांग्लादेश जैसे देश, वहां भयंकर बाढ़ आने का अनुमान है, तो उन देशों से पलायन हमारे देश के अंदर ही होगा, तो सारी नई समस्याएं होंगी। ऐसे में अगर हम 60 साल के किसी व्यक्ति को आज नेता बनाते हैं, मानते हैं, वो तो ये कहेगा भाई 2050 तक मुझे रहना ही नहीं, ये तो नौजवानों को आगे रखना पड़ेगा। हम देख रहे हैं देश में किस तरह का नंगा नाच हो रहा है, बीजेपी की सरकारें पूरी तरह से प्रशासन को पार्टी में सम्मिलित करके कार्यक्रम चला रही है। विकसित भारत, मोदी जी कह रहे हैं 2047 में हमें देश को विकसित करना है, कैसे होगा बताओ। और कुछ नहीं हो रहा, मैं जानता हूं, मेरे को संपर्क है अधिकारियों से भी, मुझे अधिकारियों ने संपर्क करके बताया कि हम जनहित का एक भी काम नहीं करा पा रहे हैं, हम अपने जो सरकारी काम है उनकी समीक्षा नहीं कर पा रहे हैं, निरंतर दौड़ में है। अब फलाना प्रभारी मंत्री आ रहा है, अब बीजेपी का विधायक है, अब उसी मीटिंग करानी है, अधिकारियों की मीटिंग करानी है, तो कह रहे हम कब देखे विकास करें, हमें तो बाउंसर की तरह यूज किया जा रहा है कि बीजेपी की मीटिंग में बाउंसर की तरह एसएसपी को और डीएम को खड़ा कर दिया जाता है। तो 2047 में देश के विकसित होने की बात हम कर रहे हैं मोदी जी, लेकिन 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड आप देना नहीं चाहते। 2030 में संयुक्त राष्ट्र में 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे भारत ने करार किया, जिसमें आज देश के 75% जिले वो पिछड़ रहे हैं, उसमें कुपोषण का जिक्र है, गरीबी से मुक्ति का जिक्र है, बेहतर शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा जनमानस को देने का एक प्रण है,
उन बातों को मोदी जी नहीं कह रहे। 2030 की कोई चर्चा नहीं है। 2030 के लक्ष्य को क्या भारत पूरा कर पाएगा? और जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो एजेंसी है जो जांच करती है, एक रिपोर्ट मार्च 2023 में निकली है जिसमें भारत देश को उन्होंने 122वां स्थान दिया। छोटे छोटे देश, बर्मा, पड़ोसी देश बांग्लादेश हमसे कई गुना आगे है, बहुत बेहतर है, हम पिछड़ रहे हैं। तो 2030 का या 2024 का 10 साल में आपने क्या काम कर दिया जो पहले नहीं हुआ? मैं ट्रैक रिकॉर्ड मोदी जी नहीं देना चाहते और इसलिए आपको कह रहे हैं भाई ये बात मत देखो आगे भी। अब 2047 तो मैं तो हाथ जोड़ के नौजवानों से कहूंगा इनसे छुटकारा आप ही दिला सको। नौजवान ये तय कर ले जात पात और धन के आधार पे जो बात आज लोग कर रहे हैं इसमें कुछ नहीं रखा। नौजवानों को अपने मुद्दों को आगे रखना होगा। हमने वो समय देखा है जब देश आजाद नहीं था और सरफरोशी की है तमन्ना हमारे दिल में, अब देखना है जो कितना है बाजू का दिल में। इन बातों को अपने दिल में रख के लोग कुर्बान होने के लिए आगे गए, नौजवान गए, नौछावर हो गए, कुर्बानियां दी है। तो ऐसी भावना रखने वाले नौजवान क्रांति की धरती मेरठ के नौजवानों से मैं अपील करता हूं, इंडिया को एक मौका दीजिए। जो रोजगार के क्षेत्र में आज हम लोग खुल के आपके लिए बोल रहे हैं, आप मौका देंगे तो काम भी करें। मेरी पहली प्राथमिकता होगी अगर केंद्र में हमारी सरकार बनती है और इसमें सारी पार्टियां शामिल है और साथ है और सहमत है कि ये जो अग्निवीर नाम की फैसिलिटी योजना केंद्र की सरकार लाई मोदी जी ने ठोका है राजमार्गों के ऊपर, कोई नौजवान नहीं चाहता इसको। जब केंद्र की सरकार बनेगी तो जो भी कदम मेरे हाथों में होगी उसका पहला प्रयोग मैं करूंगा कि इस योजना को मैं रद्द करूंगा। और नौजवानों को सम्मान दिलाने के लिए, राजनीतिक भागीदारी देने के लिए भी मैंने संसद में कानून का प्रस्ताव रखा है। कांग्रेस पार्टी हो और बल्कि मुझे याद है कि दिल्ली में हमने बैठक की, उसमें आरजेडी के और समाजवादी के और सभी जो हमारे दल आज यहाँ बैठे हैं एनसीपी के नेता वहां मौजूद थे और मेरे साथ थे। जब मैंने बात रखी कि देश में आप 21 साल में नौजवान शादी कर सकता है, वो पिता बन सकता है, वो मां बन सकती है बच्ची, 21 साल की उम्र में वोट कर रहे हैं, पार्षद बन सकते हैं, प्रधान बन सकते हैं, अधिकारी बन सकते हैं, आप अपना व्यापार बना सकते हैं और लोगों को 21 साल की उम्र के बच्चे आज नौकरी भी दे रहे हैं, आप खिलाड़ी के तौर पे देश के लिए सम्मान भी हासिल कर रहे हैं, लेकिन चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। एमएलए का एमपी बनने तो दूर है, एमएलए भी नहीं बन पाओगे। तो मोदी जी तो गारंटी देते हैं कि एक ही गारंटी है नौजवानों। सबसे पहली गारंटी मोदी जी की क्या है? ना मिलेगी नौकरी ना होगी शादी। और मेरी गारंटी ये है कि मेरा प्रयत्न रहेगा, मैं जानता हूं कि अगले 5 साल में जरूर होगा कि आज जो 25 साल की उम्र की है प्रावधान 25 साल का है वो घटेगा और अगर आप 21 साल में वोट दे रहे हो तो 21 साल में चुनाव लड़ने की छूट भी नौजवानों को हम लोग दे रहा है। तो युवा संसद के माध्यम से नौजवानों को ये मेरा वादा है और मैं उम्मीद लेके आया हूँ कि 2024 का जो अगला पड़ाव होगा उसमें आप अपने शक्ति प्रदर्शन करेंगे। इन्होंने आपको रोका दिल्ली जाने से, बार बार रोका, 13 महीने किसानों को रोका गया दिल्ली जाने से, रोका गया नहीं रोका गया, तार उठाई गई, सबको फेरा आपने। सामाजिक आंदोलन में जब दिल्ली जाने से किसानों को रोक सकती है सरकार, लेकिन राजनीति को नहीं रोक सकती। वोट देकर मेरठ का किसान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान निश्चित दिल्ली जाएगा जाएगा जाएगा, कोई नहीं रोक सकता उस किसान को। संसद में बैठे से किसान को कोई नहीं रोक सकता, वो वोट के माध्यम से होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वोट को सुनिश्चित कीजिए। जब भी चुनाव आयोग की प्रक्रिया होगी, नौजवान अपने बूथ की लिस्ट लें,
अपने वोट को देखें, अपने परिवार की वोट को देखें, और इंडिया घटक दल के जो वोटर हैं उन वोटर पे घर घर में जाकर उनके पास जाकर उनकी वोट सुनिश्चित कराएं और सुरक्षित कराएं। और 24 बजे चुनाव होगा, ये गाइडलाइन देने की जरूरत नहीं, हमारे अपने मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर हम चुनाव लड़ेंगे। कोई डाटा देखने की जरूरत नहीं, अपने वोट पड़वाए और अपनी संख्या बनाए। युवा संसद के कार्यक्रम सफल आयोजन के लिए मैं बधाई देता हूँ। और एक कोना मेरा है, मैं चाहता हूँ कि अगर हमारे दल जी राजी हो तो आगरा में जल्द एक युवा संसद का कार्यक्रम हम लोग करेंगे। और मैं आमंत्रित करता हूँ जो सभी राजनीतिक दल के नेता आज मौजूद हैं वो उस तारीख में भी आए और अपनी बात रखें। धन्यवाद। जय हिंद।